Hello everyone, if you are looking for a best video to cover your entire chemical bonding unit, then this is the right video that you are looking for. In this video, we are going to cover the entire chemical bonding unit in a single shot, that is in one shot. I'll give you plenty of different type of problems that will help to clear your concepts as well as that will strengthen your concepts. Let's begin this video with a very fresh and the very new question that is displayed on your screen. Now we have to figure out the possible structure of monothiocarbonate ion. In this particular video, whatever the problems I'm going to discuss with you is entirely based on your upcoming JEE ONET examination. And one more important announcement for you guys, this entire video will be helpful for JEE as well as NEET students, for both of you. Now the very first that's a very easy question, but the thing is, if you know the formula of monothiocarbonate ion, only then you can solve the question. Now sochi dekhna ek bar zara, what have you heard about carbonate ion? Yes sir, we know carbonate ion, SO CO3 2 minus. Okay, now the word monothiocarbonate ion is derived from by replacing one oxygen atom with a sulfur. Sorry, आप मोनोथायोकार्बोनेट आयन में क्या करना है, एक ऑक्सीजन को हटाते हुए एक सल्फर लगा दो. ओके, द वर्ड थायो कम्स फ्रॉम बाय द ऑक्सीजन को हटाया, सल्फर को लगाया और थायो वर्ड आया. क्या अपनों को इतनी सी बात क्लियर? तो मोनोथायोकार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया? मोनोथायोकार्बोनेट का फॉर्मूला सर बहुत सिंपल सी बात है, CO2H2- हो गया. सर हमें कार्बोनेट का स्ट्रक्चर तो पता था, कुछ ऐसा था ऑक्सीजन पे माइनस. हाँ सर, अरे अब क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, आपने बोला कि ऑक्सीजन को हटाया है, सल्फर आया है, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया. CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना आता था, बट यू हैव डिराइव्ड मोनोथायोकार्बोनेट आयन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. सर हम कैसी बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा CO3 2 माइनस, क्योंकि कार्बन चार ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन चार की बॉन्ड बना सकता है. देखो आयन है, बाकी तीनों ऑप्शंस को आप इस तरह भी एलिमिनेट कर सकते थे. आयन है तो पक्का चार्ज आ रहा होगा, प्लस या माइनस वाला, है ना. पहले तीनों ऑप्शंस में कोई चार्ज नहीं है, फोर्थ वाले ऑप्शन पे ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, दिस वुड बी द राइट आंसर. बट अपने को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए बच्चों, कैसे बना मोनोथायोकार्बोनेट आयन इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम विद अ सल्फर एटम. हर चीज, हर सवाल आपके लिए नया होगा, हर दुनिया भर के सवालों की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. अब की बार कुछ नया और बढ़िया चीजें लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से केमिकल बॉन्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स इस डेढ़ से दो घंटे की वीडियो में मैं कवर कर दूंगा. बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज यार बॉन्डिंग तो अपनी अच्छी हो गई है यार इस एक घंटे के अंदर. हाँ, यही मेरा मेन मकसद है कि आप ये रियलाइज करें कि यार बॉन्डिंग तो हमारी शानदार हो गई है. देखना the next question, which one is the electron deficient compound? Which one is the electron deficient compound? Sir, electron deficient मतलब electrons की जहाँ कमी हो. Sir, ये तो क्या है? Iodine chloride है, ICl. ये क्या है? NH3 है. अच्छा, ये क्या है? Sir, ये BCl3 है. Electrons की कमी कहाँ है? Sir, क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं? Sir, 8 electron होने चाहिए थे, otherwise electrons की कमी है. Okay, sir, BCl3 में ध्यान से देखो ना आप, तो बेचारे के पास 6 ही electron है, दो चार दो छह. सर इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे, इसने तो, इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ओके ओके, क्या आप मेरी बात समझ गए? सर व्हाट अबाउट बाकी ऑप्शंस? बाकी ऑप्शंस पे देखो एक बार. सर बाकी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? देखो जैसे अमोनिया की बात कर लेते हैं. अमोनिया तीन तो बॉन्ड बना रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, दो ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. ठीक है सर, PCl3, अरे PCl3 का भी सेम नजारा है, तीन तो बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर रह गया. हाँ सर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हमारे BCl3 में तो 6 इलेक्ट्रॉन थे. सर आयोडीन का क्या ख्याल है? अरे सर, यह आयोडीन का ऐसा ख्याल था कि ICl था, I plus Cl minus था. क्या अपनों को इतनी सी बात क्लियर है? आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, बाकी लोन पेयर है उनके पास तीन. देखो ध्यान से सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन.
और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कंप्लीट है। बेचारा BCl3 ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर अपनों को? हर चीज अपने को चमकनी चाहिए बच्चों, यकीन रखना आनंद जरूर आएगा, बहुत सारी शेर व शायरी भी होंगी और आनंद भरपूर आएगा। यदि आपने अनुद वाले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि जेई की जो सीरीज चल रही है उसमें हर चैप्टर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, आप चैनल पे देखेंगे आपको, और जेई विद वालिया नाम से सीरीज देखेगी उसमें आनंद आएगा। तो यही उसका पार्ट भी है ना, केमिकल बॉन्डिंग जो अपन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। एक बार सवाल को स्टार्ट करने से पहले फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या आपकी वीडियोस नीट वालों के लिए भी हेल्पफुल है, आप हर बार जेई के लिए डालते हो। अरे बच्चों, ये हर वीडियो आप चाहे जेई एस्पिरेंट हो नीट एस्पिरेंट हो, हर बच्चे के लिए हेल्पफुल है। मैं चाहूंगा कि इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करवा दूं ताकि जब आप मैदान में उतरे तो आप रियलाइज करें, अरे भैया हर सवाल तो वाली सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बता रखा था, हमें तो सब आता है, हम तो केमिस्ट्री में चार चांद लगाने वाले हैं। बस मेरा मेन एम यही है। देखो CO2 की बात कर लूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों सेम इलेक्ट्रॉन, जहां आपको सेम इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। CO2 का क्या ख्याल है? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, दो है तो 2 × 8 कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ सर हो गए, क्योंकि अपने को पता है ना कार्बन कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8। सर N3 माइनस में ऐसा ख्याल है कि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 3 में कितने? 21। माइनस चार्ज का मतलब क्या है? माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया यानी 22 इलेक्ट्रॉन। कैसे किया? एक नाइट्रोजन में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन? सर 7, 3 है तो 7 3 21। माइनस चार्ज स्टैंड्स फॉर कि एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, बोलो है ना? हाँ सर ये वाली बात क्लियर। आइए सर इसमें कितने हैं? सर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, नाइट्रोजन भाई साहब का 7 है, ऑक्सीजन भाई साहब का 8 है, बाहर एक माइनस चार्ज है इसका मतलब एक प्लस वन है, ये कितना हो गया? अरे भैया सर ये तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर ए और बी में बराबर आ रहे हैं तो पक्का पक्का डी ऑप्शन टिक कर दूं क्या? सेम इलेक्ट्रॉन पूछे थे, जितने इलेक्ट्रॉन CO2 में उतने किन कौन कौन सी स्पीशीज में भी हैं। NCN में कितने होंगे? अरे सर सबको पता है, नाइट्रोजन के 7, कार्बन के 6, फिर नाइट्रोजन के 7 और 2 माइनस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। कितना हो गया? कितना हो गया? 14 और 6 20 और 2 22 इलेक्ट्रॉन। सर सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, हेंस ऑल 3 are isoelectronic with CO2। क्या अपनों को ये बात क्लियर हो गई है? हाँ सर इतनी सी बात तो अपने को क्लियर हो गई है। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे? होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PO43- एंड SO42-। प्लीज कमेंट करके बताएं, चेक करूंगा कि कितना कितना आपको समझ में आया है। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। ऑक्सीजन का तो सिंबल अपने को पता है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सल्फर अपने को पता है 16 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फोस्फोरस अपने को पता है 15 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये उनके सिंबल्स हैं। वेट करूंगा आपके राइट आंसर्स का और वीडियो खत्म होते ही मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगला सवाल। एक बार फ्री कंटेंट फॉर जेई और नीट के लिए अनिल द्वालिया आपका स्वागत करता है। सवाल बहुत शानदार सवाल। हो सकता है कुछ बच्चों को फील आ रहा हो सर अपने को तो ऐसा लग रहा है सब कुछ नया नया। अरे तो अच्छी बात है, नया लग रहा है तो यही सही मौका है, आप सीख जाइए चीजों को और आनंद उठाइए। देखने सवाल बहुत प्यारा है, थोड़ा सा टफ भी बोलूंगा मैं इसे। द एवरेज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आईओ बॉन्ड इन IO6 5-, ये अपने को बता देना है। इसको अपन करते हैं सॉल्व। देखो जो अपने पास कंपाउंड क्या है, IO6 5-। क्या सर हम ऐसी बात कर सकते हैं यानी 5 ऑक्सीजन पे, यानी 5 ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज रहा होगा? ओके, और एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, चलेगा? चलेगा सर। आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता था, 5 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डाल दिया, एक पे कितना? एक पे डबल बॉन्ड बना लिया। क्या मैंने IO6 5- का स्ट्रक्चर बना दिया? सर आपने इतना जल्दी कैसे बनाया? बच्चों ऐसा सोचा करो कि आयोडीन ग्रुप 17 का है तो 7 बॉन्ड्स बना सकता है, 5 ऑक्सीजन पे माइनस डाल दो
पांच बॉन्ड बन गए, दो रह गए, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, तो डबल बॉन्ड को लगा दो। क्लियर अपनों को? आगे मेरी बात सोचने की कोशिश करना, सर क्या क्या पूछा है इन आदमी ने, इन भाई साहब ने पूछा है द वेरी फर्स्ट थिंग कि सर एक तो आप बता दो एवरेज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अरे सर ये बहुत सिंपल है, अपने को तो इतनी सी बात करनी है, क्या 6 ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज, सर 5 माइनस का तो एक ऑक्सीजन पे कितना। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, 5/6 का हो गया। यदि 6 ऑक्सीजन पे 5 माइनस का चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे कितना, 5/6 का चार्ज। क्लियर अपनों को? अगली चीज उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर की बात की है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर की बात की है। बॉन्ड ऑर्डर में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, देखना। सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर। सर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे ना तो हमको पता है क्या क्या होगा, क्या क्या? सर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड ओ आने की। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई कितने हो गए? सर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस, देखो पाई कितने हो सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पाई बॉन्ड्स आ सकते हैं, 6 जगह पाई बॉन्ड्स आ सकते हैं। और टोटल सिग्मा प्लस पाई कितने? सर टोटल 6 जगह सिग्मा आ सकते हैं और एक पाई, टोटल 7 बॉन्ड बना रहा है। टोटल IO6 5 माइनस 7 बॉन्ड बना रहा है, 6 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, सो इट वुड बी 7/6। क्या अपनों को ये बात क्लियर हो गई? क्या अपनों को ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। आई होप ये वाली बात अपनों को क्लियर जरूर हो गई होगी। बहुत आसान था, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा अपनों को आंसर बताना होता है, कैलकुलेशन करके 1.166 के करीब अपनों का आंसर आ रहा होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से बॉन्ड ऑर्डर वाली बातें सीख सकते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता हूं उसके रिगार्डिंग भी बात है ना। आई होप ये बात अपनों को क्लियर हुई होगी। आइए बच्चों अगला सवाल की बात करते हैं, देखना सुनना समझना। तो एक बार देख लो इसका आंसर क्या हो गया भैया, इसका आंसर डी हो गया, -5/6 और बॉन्ड ऑर्डर 1.167, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने की कोशिश करना, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन सोच करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर से। क्या अपनों को इतनी सी बात पता है बच्चों कि सिंगल बॉन्ड लेंथ एक है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और एक है डबल बॉन्ड। सर किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? सर सारी दुनिया को पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, ये बात अपनों को पता है? हाँ सर ये वाली बात तो अपने को पता है। बस तो आपको यदि इतनी सी बात पता है तो आपका सवाल खत्म, बहुत आसान सवाल, देखना कैसे। सर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन सर ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, देखना मैं क्या इसमें करने जा रहा हूँ, मैजिक करने जा रहा हूँ, मैजिक। एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, सर इन्होंने एक्स वाई जेड पूछा है, बॉन्ड लेंथ की बात की है, सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एक मिनट में समझ में आ जाएगा देखना कार्यक्रम। सर यहाँ हमारा मन कर रहा है रेजोनेंस करवा दूं, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनाऊंगा, ओपे माइनस डबल बॉन्ड ओ। दिखा अपनों को मैंने कैसे बनाया, दिखा अपनों को कैसे बनाया? यदि ये भी नहीं दिखा तो आपको एक छोटा सा और बहुत शानदार तरीका बताता हूँ जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बता रहा होता हूँ, क्योंकि आप सभी तो अपने बच्चे हैं। देखना सर आप एक काम करो, आप अपना मैजिक स्टाइल बताओ, देखो बच्चों बहुत आसान है, एक सेकंड में चमकता है सबको। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ना उसकी जगह मैंने क्या किया ना, अपोजिट चार्जेस में तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ प्लस और माइनस में तोड़ दिया। अब क्या करना है, इस प्लस और माइनस का क्या बना दो, बॉन्ड बना दो, इस प्लस और माइनस को मिला के बॉन्ड बना दीजिए। बॉन्ड कैसा बना दो, कैसी बात कर लूँ, एच ओ सी, ओ पे माइनस रह गया और प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जो भी थोड़ी देर पहले क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट किए, ये इधर माइग्रेट किए, ऐसा ही तो कोई नजारा था। या तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करना आता है तो वैसे कर लीजिए, अदरवाइज डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए बॉन्ड्स बना दीजिए, आपको सब दिख जाएगा। दिखा, ओके सर हम समझ गए। अरे सर इसका मतलब तो यहाँ तो कुछ खतरनाक बात हो गई, ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड था ये क्या था, डबल बॉन्ड जैसा हो गया, जो ये डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी इनके बीच तो हो रही है रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के कारण जो ये बॉन्ड लेंथ्स हैं वाई और जेड ये हमेशा बराबर आएंगी, रेजोनेंस होने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या आती है, बराबर आती हैं। सर फिर इसका क्या ख्याल है आपके बारे में, आपका सर ये जो बॉन्ड था जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, रेजोनेंस में तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं किया बॉन्ड,
ये पहले भी एक्स वाली बॉन्ड लेंथ थी, यानी पहले भी सिंगल बॉन्ड था, अभी भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये बेचारे डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बात कर लूं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, फिर इन दोनों की तो बराबर है। सोच के देखना दोबारे कि सर हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड तो सिंगल का सिंगल ही रहा, बट इन लोगों ने कर लिया रेजोनेंस, जब इन लोगों ने रेजोनेंस कर लिया तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसमें डबल बॉन्ड से थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, थोड़ा बहुत भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया या थोड़ा बहुत भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो जाहिर सी बात है जो प्योर सिंगल बॉन्ड रहा होगा उससे तो बॉन्ड लेंथ कम ही आ रही होगी। बोलो अपने को ये वाली बात क्लियर? हाँ सर, चमकता है, चमकता है, तो डी इसका आंसर भी आपको चमकना चाहिए, इसका भी डी आंसर चमकना चाहिए। क्लियर अपने को? यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि किसी को डाउट है कि सर रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर हो गई, सोच के देखो। लेट से बेंजीन है, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं, क्या मैं ऐसी बात करता हूँ जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं बीच में गोला, यानी गोला स्टैंड्स फॉर कि इलेक्ट्रॉन हर तरफ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये जो कार्बन 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 हर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। बोलो कि आप लोगों को ये वाली बात क्लियर? हाँ सर, ये वाली बात तो अपनों को क्लियर हो गई। और ये आइए कार्यक्रम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आनंद लूटते हैं। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। टेंशन क्यों करते हो? एक बार फिर से सबकी नजरें स्क्रीन पर। इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज शोन बाय, सर ये क्या सवाल है? क्या प्लस माइनस दिखा रखा है? अरे देखना, पहले थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच बताना चाहूंगा, फिर अपन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपने को पता है ओवरलैपिंग हमेशा कब होती है। लेट्स से मैं पी ऑर्बिटल बनाना चाहता हूँ, लेट्स से पहले पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है सर? यदि दोनों सेम साइन वाले होंगे, लेट्स से प्लस माइनस, और एक ऑप्शन है प्लस माइनस, जब जब दोनों ऑर्बिटल्स का साइन सेम होता है तो ही ओवरलैपिंग होती है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले, सर ऐसे बॉन्ड बनाए तो। हाँ, इनको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, इनमें प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस वाले ओवरलैप करते हैं माइनस माइनस वाले, इनसे बॉन्ड बनता है। कभी भी प्लस माइनस से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, अपने को ऑर्बिटल्स के अंदर का साइन पता होगा। जब साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो बच्चों पाई बॉन्ड, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सर बस इतनी सी बात है, क्या सेम साइन वाले देखने हैं? हाँ बिल्कुल, सेम साइन वाले देखने हैं, आ जाओ। सर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस, कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस, कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अरे सर माइनस माइनस मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। बोलो दिखा अपने को, सेम साइन वाली लोब्स आपस में ओवरलैप करती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही होती हैं, अपोजिट साइन वाला कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। क्लियर अपनों को? हाँ सर, यहां तक की तो बात क्लियर। अगला सवाल पढ़ें और आनंद लूटने की कोशिश करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो जब आप मेन एग्जाम भी कर रहे हो ना ऑनलाइन में भी, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि आपका सवाल वाला करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वीबीटी का कौन सा पॉइंट सही नहीं है। अच्छा सर ये बताना है, अभी चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, अरे बिल्कुल सही बात है सर, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। अगली चीज, पी ऑर्बिटल ऑलवेज हैव साइडवेज ओवरलैपिंग, अरे गलत बात है, यही तो अपना आंसर हो गया। कैसे सर, बताओ बताओ। देखना बच्चों एक बात सुनने की कोशिश करना, देखो पी के अपने पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। मैं मान लेता हूं जिस एक्सिस के अबाउट वे ओवरलैप कर रहे हैं उसको जेड एक्सिस बोल दिया, जेड एक्सिस, ठीक है। तो लेट से पी एक्स सॉरी पी जेड और पी जेड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये लेट से जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कौन सी है भैया, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पी जेड रहा, ये पी जेड रहा, सेम साइन वाले प्लस प्लस माइनस माइनस। अब जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन कोलिजन इसे बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग इसे बोलते हैं, और यहां पर हेड ऑन आपस में देखो सामने ऐसे टकरा गए हैं एक दूसरे की तरफ, जैसे दो गाड़ियां टकरा गई हों, उनको क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अरे सर
अच्छा ये हेड ऑन है, हाँ ये हेड ऑन है। अरे सर फिर ये पी एक्स और पी एक्स करते हैं तो सोचिए देखो, ये अभी भी जेड एक्सिस है, हाँ ये जेड एक्सिस है। पी एक्स कहाँ होता, ऊपर होता। ये पी एक्स कहाँ होता, ये भी ऊपर होता। प्लस माइनस प्लस माइनस, जब ये ओवरलैप करते तो कुछ ऐसी बात कर रहे होते कि प्लस प्लस माइनस माइनस। हाँ यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज अ पाई बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग बोल रहे होते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग, क्या अपनों को ये बात क्लियर? यानी पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। सर पी वाई होता तो, अरे पी वाई भी यही काम कर रहा होता, लेट से पी एक्स या पी वाई है तो यही पी एक्स या पी वाई है। बात क्लियर अपनों को, अपनों को ये वाली बात क्लियर? यानी यानी पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाती हैं, आमने सामने टकराकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बट इन भाई साहब ने क्या बोला कि पी ऑर्बिटल ऑलवेज हैव साइडवेज ओवरलैपिंग, गलत बात, यानी यही आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था, ये रही रॉन्ग। फिर भी अगला पूछ लेते हैं कि एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। हाँ भाई दो एटम्स के बीच पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर? पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है एस पर वीबीटी। क्या अपनों को यहां तक की बातें क्लियर? बोलो बच्चों आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ सर बहुत आनंद आ रहा है। अगला स्ट्रक्चर आप लोगों की स्क्रीन पर, बहुत शानदार सवाल, प्रीवियस ईयर जेईई मेन वाला सवाल भी है। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, सर SO3 का स्ट्रक्चर पूछा है। बहुत आसान है सर, हमें पता है। कैसे कैसे? अरे बताओ सर, सर आपने ही बताया था, आपकी ही ट्रिक लगा दें क्या? लगा दो। कैसे? अरे SO3 है सर, सल्फर ग्रुप 16 का है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है यानी 6 बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। बना देते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, बाहर इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। देखो सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिए, बन गया SO3, बन गया SO3। SO2 बनाना होता तो कोई नहीं, 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन रह गए यानी एक लोन पेयर रह गया। बात क्लियर? यानी SO3 का स्ट्रक्चर क्या अपनों को दिखता है, SO3 का स्ट्रक्चर अपनों को दिखता है, कौन सा राइट आंसर होगा? टिंग टिंग टिंग, अरे ए आ रहा होगा सर, ए आ रहा होगा सर। बाकी सब में तो बेचारा सल्फर 6 बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा, इतनी बेचारे के साथ नाइंसाफी है, यानी ये कभी आंसर हो ही नहीं सकते, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर अपनों को? एक बार अगला सवाल देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड की बात करूंगा, CaC2 में कितने सिग्मा कितने पाई? सर हमें तो नहीं आ पाएगा ये सवाल, कैसे बताते हैं हम आपको। देखो CaC2 कैसे डिसोशिएट करेगा बच्चों, कैल्शियम 2 प्लस प्लस C2 2 माइनस, कैल्शियम 2 प्लस आयनिक बॉन्ड और C2 2 माइनस। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसके बीच तो कोई बॉन्ड नहीं है, क्या मैं ऐसी बात करूंगा? C2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड्स की बात कर रहा है, उसके बारे में पूछा है इन लोगों ने। सर C2 2 माइनस का स्ट्रक्चर कार्बन 3 बॉन्ड, एक पे माइनस एक पे माइनस, एक इलेक्ट्रॉन। देखा क्या कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है कि इनके बीच में, सर एक तो सिग्मा है दो पाई है। यस तो वही अपना आंसर है, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, बी इसका राइट आंसर। दिखा आप लोगों को, CaC2 में C2 2 माइनस की बात कर रहा था, टाइप नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स की बात कर रहा है, दो कार्बन एटम्स के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा है CaC2 में, यानी दो कार्बन एटम्स के बीच के एक सिग्मा दो पाई हैं। चमकता है क्या अपने को? हाँ सर ये वाली बात तो चमक गई, चमक गई, तो आ जाओ और चमकाते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। सर बहुत आसान सवाल, सर इससे आसान सवाल नहीं देखा। अरे अरे ऐसा मत बोलो, जे एडवांस का सवाल है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो भैया जे एडवांस की। क्या है सवाल? मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड HCF4 में कितना कितना लोन पेयर? अरे सर ये बच्चों वाले सवाल अब मैं नहीं करूंगा। अरे रुको रुको कर लो यार, जे एडवांस का सवाल है प्रीवियस ईयर। सर बहुत आसान है सर, इतना आसान आपने बना दिया हमारे लिए SF4, बहुत आसान है। देखो सर सल्फर, यार सल्फर सर 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 बॉन्ड बना लिए, सल्फर ने 4 बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो लोन पेयर कितना रहेगा? एक लोन पेयर रहेगा। देखा आप लोगों को, सर CF4 में कार्बन ग्रुप 14 का है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए, खत्म बात, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। अच्छा अरे सर HCF4 तो फिर मैं बताऊंगा, सोचो कैसे? सर जीनोन ग्रुप 18 का है यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, हाँ
सर चार बॉन्ड बना लिए, यानी चार इलेक्ट्रॉन खत्म, चार इलेक्ट्रॉन रह गए। चार इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने? लोन पेयर दो। लोन पेयर कितना? दो। दिखा अपनों को आंसर, पता लगा? 102 डी इज द राइट आंसर। चमकता है अपनों को, चमकता है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन या होमवर्क प्रॉब्लम बाय अनिरुद्ध वालिया सर, क्या कुछ खतरनाक पूछने वाले हो क्या आपकी बार? हाँ, XeO3 में एंड Fe F6 में टोटल, आप मतलब आपको लोन पेयर बताना है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर बताने की बात करनी है। प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें, आपके कमेंट का वेट करेंगे। सर कुछ शेर व शायरी कर दो यार, अब फिर हम काम कर देंगे, पक्का पक्का बोल रहे हैं, हम आंसर बता देंगे। आप यदि शेर व शायरी कर दोगे, करवा के मानोगे क्या शेर व शायरी? आप ऐसे नहीं मानोगे? नहीं सर, बहुत मन कर रहा है, प्लीज आप कर दो। कौन सी करें, प्यार मोहब्बत वाली या मोटिवेशन वाली? सर मोटिवेशन वाली कर दो, एग्जाम का टाइम है। ओके बच्चों, चार लाइनों के साथ लेक्चर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सुनना। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो बस आप डट कर इस जो रेस है, जो जेई मेन, जे एडवांस या नीट एम्स की जो रेट है, रेस है, आप उसमें लगे रहें, डरने की ना सोचें। यदि आप डर गए तो कुछ नहीं होगा, यदि आप लड़ गए तो आप जीत जाएंगे और कुछ बढ़िया पा लेंगे लाइफ में। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो जितना हो पाएगा उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन की बात ना करो। सर नंबर ऑफ, अगला सवाल की बात करें, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन XeOF4। इतना आसान सवाल, बहुत आसान हो गया। सर जिनन, जिनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, सर चार तो फ्लोरीन थे, चार इलेक्ट्रॉन खत्म, सर एक ऑक्सीजन था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फिर खत्म, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन खत्म होने का मतलब क्या है? दो बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने। XeOF4 है बच्चों, क्या है? XeOF4। हाँ सर, तो क्या मैं ऐसी बात कर दूं कि चार बॉन्ड बना लिए जिनन ने फ्लोरीन के साथ, था एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, सर 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी एक लोन पेयर तो भाई के पास अभी भी बाकी है, यही तो पूछा था। सर अगला सवाल तो बहुत आसान है, XeF4 में तो अभी हमने देखा था कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर। XeF6 तो आपने पूछा है, आप मत बताना, हम ही बताएंगे। अरे तो फिर एक काम करो ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बता दो। प्रीवियस ईयर जेई मेन सवाल, प्रीवियस ईयर जेई मेन सवाल, प्लीज कमेंट करें, कमेंट करें। यार जितना आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं नहीं आ रही। यदि आपको आनंद आ रहा होगा तो और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि हर बच्चे के पास कुछ बढ़िया चीजें पहुंच सके और वो कुछ लाइफ में बढ़िया कर सके। अगला सवाल, अगेन बहुत शानदार, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, सीजियम आयोडाइड किस तरह से टूट जाएगा? सर टूटने की बात ना करो, हम इतने फौलादी हैं, हम लड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, मिट जाएंगे और कुछ बढ़िया करके जाएंगे, बिल्कुल शानदार, ऐसा जुनून रखना आप लोगों को। सर CsI3, सर सीजियम जो है ग्रुप वन का एलिमेंट है, और इन्हें भाई साहब ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। बोलते हैं कि हम तो सिर्फ अपने ऊपर +1 का चार्ज रखेंगे, और कंपाउंड पूरा क्या है? न्यूट्रल। तो I3 बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें -1 रखना पड़ेगा। क्यों यार? क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। सीजियम भाई साहब बोला मुझे नहीं पता, Na जब प्लस रहता है, Li प्लस रहता है, K प्लस रहता है, तो CS भी प्लस रहेगा, S ब्लॉक में ग्रुप वन का एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अच्छा तो I3 माइनस में टूटेगा? हाँ I3 माइनस में ही टूटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 2 होगा। बात क्लियर? प्रीवियस ईयर अगेन जेई मेन वाला सवाल। देखो बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, यदि हमें छोटी छोटी अप्रोच पता है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पता है, तो हम सवालों को कर लेंगे। क्लियर? आइए बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन C2C3 बॉन्ड। C2C3 बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब SP3, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब SP2, और 1 सिग्मा बॉन्ड मतलब, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब SP, बस इतनी सी बात आप चेक कर लो। अब सर ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, हम इसको ऐसा बना देंगे, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C C, और ये H,
डबल बॉन्ड सी एच और एच, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। हाँ सर, सी टू सी थ्री की बात की है, इन दो कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके चेक करो, इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब एसपी टू, एसपी टू। इस भाई साहब के पास कितना सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब एसपी। अच्छा तो एसपी टू एंड एसपी इज आंसर, क्योंकि ये वाला कार्बन टू नंबर का है, ये वाला कार्बन थ्री नंबर का है। जल्दबाजी में आंसर एसपी एसपी टू मत कर देना, टू और थ्री का पूछा है, इसलिए एसपी टू एंड एसपी इज द आंसर। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन देखना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और आंसर बता देना है। क्लियर, ऑलवेज रिमेंबर, एक सिंगल बॉन्ड है तो अपने को पता है सिग्मा बॉन्ड है। जब भी ऐसे डबल बॉन्ड आता है तो इट कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा वन पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो इट कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा प्लस टू पाई, तो यानी इट कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा प्लस टू पाई। क्लियर अपने को, आंसर पता लग गया, आंसर पता लग गया। हाँ सर आंसर तो क्लियर है, आगे बात करें। आइए तो बच्चों आगे बात करते हैं। यस आई कैन, यस यू कैन, आप शानदार हैं, आप शानदार हैं, शानदार थे और शानदार ही रहेंगे, टेंशन नहीं करने का। आप इस वीडियो की हेल्प से, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब ये वीडियो खत्म होगी, अभी तो पूरा चल रहा हूँ मैं, जितना पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाऊंगा आज मैं, एकदम दिल में जुनून सा है कि नहीं यार बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है, वो प्रोबेबल चीजें बतानी है जो उनके मेन एग्जाम में आ रही हों, ताकि जब भी वो एग्जाम करें और वो शानदार परफॉर्म करें, उन्हें ये रियलाइज हो कि यार केमिकल बॉन्डिंग एक शॉट में सवालों की हेल्प से कैसे पढ़ी जा सकती है। क्लियर अपनों को, देखो अगला सवाल बहुत आसान है। विच द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम बताने की बात करनी है। सर हमें तो किसी का डाटा याद नहीं, हम कैसे बताएंगे इस सवाल को। अरे यार क्यों टेंशन करते हैं भैया, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तो क्यों टेंशन की बात है। सर अब मैं समझ गया क्या करना है, क्या हाइब्रिडाइजेशन से आप बता दोगे ना। हाँ देखना, एक बात अपने को याद रखनी है, क्या कि जब भी लोन पेयर आता है, लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। क्लियर, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा। सर इसमें तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर है, जेड का वैल्यू चार यानी sp3, चार ऑर्बिटल्स यूज करने हैं sp3, sp3 वाले का, sp3 वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो sp3 वाले का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको एक बात याद रखनी है, तीन तीन अपने को डाटा याद रखना है, क्या sp3 विद जीरो लोन पेयर, sp3 विद जीरो लोन पेयर जो लेट से ch4, बॉन्ड एंगल फिक्स है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगेन sp3 विद विद वन लोन पेयर, कैसे, तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, बॉन्ड एंगल फिक्स है कितना, 107 डिग्री 5 मिनट्स। अगेन sp3 एग्जांपल nh3, नेक्स्ट sp3 टू लोन पेयर फिक्स एग्जांपल h2o, बॉन्ड एंगल भी फिक्स है वाटर का 109 104 डिग्री 5 मिनट्स। ये सारा डाटा अपने को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का डाटा याद रखने से सवाल का काम आसान हो जाता है। सर यहाँ एक लोन पेयर है, यदि जीरो लोन पेयर होता तो बॉन्ड एंगल कितना आता, 109 डिग्री 4 मिनट, यानी बॉन्ड एंगल अमोनिया का तो हमको पता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम आ रहा होगा। ठीक है, NH4 प्लस चार सिग्मा बॉन्ड, जहां चार सिग्मा बॉन्ड आ गए, चार सिग्मा बॉन्ड आ गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जीरो लोन पेयर, बॉन्ड एंगल सारी दुनिया को पता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर, PCl3, अरे सर PCl3 में तो एक लोन पेयर है, अरे लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम होता है। H2Cl2, सर सल्फर ने दो बॉन्ड बना लिए, छह बना सकता था यानी दो लोन पेयर, अरे सर इस पे दो लोन पेयर आ गए तो और कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इंक्रीज करता है, ठीक वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। कितनी सी बात हम दिमाग में रख रहे होंगे, हाँ सर इतनी सी बात तुम दिमाग में रख सकते हैं। अरे तो सर सबको पता लग गया, ए सी डी में तो लोन पेयर आ रहे हैं, बी वाले में तो भाई साहब का कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल देगा, क्या देगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल देगा। बोलो अपने को ये वाली बात क्लियर है, क्लियर है ये वाला डाटा। आइए आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल। ट्राइमर ऑफ SO3 में नंबर ऑफ SOS बॉन्ड, अक्सर सवाल पूछते हो बेशरम लोग, कैसे मैं बताऊंगा कैसे, देखो टेंशन नहीं करने का। ट्राइमर ऑफ SO3 का मतलब क्या है, SO3 होल थ्राइस यानी S3O9, साइक्लिक की फॉर्म में रहेगा, देखना कैसे, SOS SOS SOS। ओके सल्फर कितने बॉन्ड बनाते हैं, छह,
तीन ऑक्सीजन यूज हो गए, बचे कितने? छह, यानी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये बन गया आपके पास S3O9। चमकता है अपने को, चमकता है। प्रीवियस ईयर यही सवाल है, प्रीवियस ईयर यही सवाल है। क्या पूछा? अरे सर SOS बॉन्ड पूछा, कितने हैं? एक दो तीन। तो SOS बॉन्ड कितने? 3SOS, यानी सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड कितने? तीन है। बात क्लियर अपने को? यदि अब सवाल वाला आपसे ये भी पूछ लेता, यदि सवाल वाला आपसे ये भी पूछ लेता कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या बोलते? हाँ, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। चार सिग्मा मतलब SP3। चौंकता है? हाँ सर। सवाल वाला आपसे पूछ लेता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड, कितने बोलते? 1 2 3 4 5 6, छह बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है सर, तुमको सब चमक गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो बात क्लियर? इस सवाल का आंसर अपनों को क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? सवाल वाला, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो मेक श्योर दैट आप ये ना सोचें कि भैया बस यही सवाल आएगा, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। देखो सर, बॉन्ड एंगल का सवाल पूछ रहे हो आप? फ्री वीडियो है क्या आपकी? हाँ, हर चीज आपके लिए फ्री है, बस आपको शानदार आनंद उठाना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और चीजों के रिगार्डिंग लर्निंग अपनी हैबिट डेवलप करनी है। और इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, आपको उन वीडियोस को भी जरूर जरूर देखना है। अगली चीज, ध्यान से सोचने की कोशिश करना, बॉन्ड एंगल की बात की है। सर आपने बताया था एज द लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बस इतनी सी बात याद रख लें। हाँ याद रख लो। कौन कौन सी स्पीशीज है आइए देखें। सर H2S। सर सल्फर छह बॉन्ड बना सकता है, दो हाइड्रोजन है यानी दो बॉन्ड बना लिए, चार इलेक्ट्रॉन रह गए यानी दो लोन पेयर रह गए। हाँ, NH3 तो अभी पता ही है, एक लोन पेयर वाला, ठीक है। BF3। सर BF3 में कुछ ऐसा नजारा है, बोरोन के पास ग्रुप 13 का है, तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीन बॉन्ड वो बना सकता था। व्हाट अबाउट CH4? अरे सर CH4 का भी पता है। अच्छा, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना? SP3, ठीक है। बॉन्ड एंगल अपने को पता है 109 डिग्री, 28 मिनट। सर BF3 का हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है ये, प्लेनर हर, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 रहता है, SP2 ट्राइगोनल प्लेनर है, हर एंगल यानी बोरोन फ्लोरीन बोरोन, ये फ्लोरो फ्लोरीन बोरोन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 120। समझे कैसे? SP होता तो सर, अरे भैया SP होता तो लीनियर होता, SP होता तो लीनियर होता, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता। SP2 है तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। SP3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। बोलो कि अपनों को ये वाली बात क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की तो बात अपनों को क्लियर हो गई है। अच्छा सर, फिर तो अमोनिया का जो भी बॉन्ड एंगल होगा H2S का, उससे कम ही आ रहा होगा। अमोनिया का जो भी बॉन्ड एंगल होगा उससे उससे कम ही आ रहा होगा, क्योंकि क्योंकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में तो भाई साहब के पास दो दो लोन पेयर है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है BF3 का 120 डिग्री, CH4 का 109 डिग्री, 28 मिनट्स, NH3 का 107 डिग्री, 5 मिनट्स। H2S हमें कोई मतलब नहीं, कम ही आएगा जो भी आएगा, क्योंकि लोन पेयर इंक्रीज कर गए तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। लॉजिक समझे आप? लॉजिक समझे? बात क्लियर? देखो सवाल बहुत आसान रहते हैं, यदि हमें अप्रोच पता है, सवालों को अप्रोच करना आता है तो हम कर लेंगे। बात क्लियर? ओके सर, ये क्या है खतरनाक चीज? देखो यार, होता क्या है ना, हम 2 साल मेहनत करते हैं, ठीक है, हर बच्चा मेहनत करता है बहुत ईमानदारी से, बट दिक्कत क्या है ना, पेरेंट्स को, चलो पेरेंट्स तो फिर भी कई बार किसी लेवल पे समझ लेते हैं, बट अड़ोसी पड़ोसी लोग दिमाग खा जाते हैं। कैसे? अड़ोसी पड़ोसी है ना, यदि आपका सिलेक्शन, क्योंकि लोग कभी भी, एक बात मेरी जिंदगी में याद रखना, जब मैं पढ़ता था ना, जब मैंने भी अपने एक टीचर से ये बात सुनी थी, और आज तक मैं लाइफ में हर बार इस चीज को फॉलो करता हूँ, आज मौका मिला है आप लोगों के बीच बताने का तो बताना जरूर चाहूंगा। हर कोई बढ़ते सूरज को सलाम करता है, हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, ये नहीं देखता कि वो जो सूरज उगा है कितनी मुश्किलों से उगा होगा। या लोग सिर्फ आपका रिजल्ट देखते हैं, लोग सिर्फ आपका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते उसके पीछे कि आपकी मेहनत कितनी है यार, आपने कितना स्ट्रगल किया है। आज दुनिया में हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा IIT नीट की तैयारी कर रहा है, हर बच्चा दुनिया भर की बुक्स पढ़ता है, हर बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, हर पड़ोसी पड़ोसी को चाहिए, अरे फलाना का लड़का मेहनत करता था, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, 2 साल IIT की कोचिंग कर रहा था, 2 साल नीट की कोचिंग कर रहा था, ले लो सिलेक्शन तो आनी। अरे भाई ठीक है,
सिलेक्शन होना ना होना आपकी किस्मत, भगवान का आशीर्वाद, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बच्चे ने मेहनत की, कम से कम उसकी मेहनत को तो अप्रिशिएट करो यार। हम लोग करते क्या है, इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि हम लोग देखते हैं ओहो लड़के ने कोचिंग ली, सिलेक्शन होना ही चाहिए था। अरे भाई कैसे पॉसिबल है, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 4,000 सीट्स हैं, 5,000 सीट्स हैं, हर बच्चा आईआईटी कैसे चला जाएगा, हर बच्चा एनआईटी कैसे चला जाएगा, हर बच्चा मेडिकल कॉलेज कैसे चला जाएगा। ठीक है, यही तो कंपटीशन की बात है, जो अपना बेस्ट देगा वो उस कॉलेज में जा रहा होगा। बट इट डजंट मीन कि जो नहीं जा पा रहा उसमें कुछ कमी रही होंगी। अरे ठीक है यार, किसी ना किसी को तो जाना था, किसी ना किसी को तो रैंक बनाना था, किसी ना किसी को तो बॉटम वाला रैंक भी आना था। इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव यार। बट हम पेरेंट्स का मेंटेलिटी क्या रहता है, नहीं, या पड़ोसी का ज्यादा रहता है, मेहनत कर रहा है तो आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए। अरे यार उसके पीछे की कम से कम उसने जो मेहनत की है इन 2 सालों में, जो अपने आप को खून पसीना बहा है, दिन रात पढ़ाई की है, सारी शादी, सारी गेम्स, सारी ऐशो आराम छोड़ दिए सिर्फ मेहनत करने के लिए, कम से कम उसको, उस चीज को तो अप्रिशिएट करो। तो मैं बींग एज ए टीचर, बींग एज योर मेंटर, बींग एज योर बिग ब्रदर, एक चीज बताना चाहूंगा, एक बात याद रखना कि यार कभी भी आप डिप्रेस मत होना यार, डिप्रेस मत होना। एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुद आईआईटीएन नहीं हूँ, आज मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूँ, बट एक ठीक ठाक लेवल पे आपको बढ़िया अच्छा खासा पढ़ा लेता हूँ, एक ठीक ठाक लेवल पे अपनी जिंदगी जी रहा हूँ यार। इट डजेंट मीन कि आईआईटी एनआईटी नहीं मिली या एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो इट इज द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये जिस दिन पेरेंट्स अड़ोसी पड़ोसी समझ लेंगे, जिनकी अलग हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। इतनी सी बात अपनों को दिमाग में रखनी है यार। तो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना, आप तो अपना 100% देते चले जाओ यार। सिलेक्शन होना ना होना वो बहुत बाद की बातें हैं, आपके हाथ में क्या है सर, हमारे हाथ में मेहनत करना है। और आप तो सिर्फ बच्चों ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा सिलेक्शन जरूर होगा और एक बढ़िया रैंक के साथ होगा। यदि आपके प्रयास बढ़िया है, आपके एफर्ट्स बढ़िया है और आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो पक्का पक्का होगा, कहीं ना कहीं आप बढ़िया कॉलेज में जा रहे होंगे। बट कभी भी आप डिमोटिवेट मत होना यार। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप मुझे जरूर याद कर लेना, माय नेम इज अनिरुद्ध वालिया। बहुत सालों से यूट्यूब पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, आज मुझे खुद इतने साल हो गए हैं, हजारों बच्चों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे लाखों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यार लाइफ में एक चीज याद रखना यार, यदि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने दिल से कर रहे हैं ना, तो आप खुश हैं। आज लोग हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों का पैकेज है, बट शाम को घर आते हैं ना तो हजारों तरह की टेंशन रहती है यार, ऑफिस की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, बॉस ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। यार जो काम आप कर रहे हैं, आप हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, जो भी आप अपना परस्यू करेंगे, जो भी आप अपना ड्रीम है उसमें आप वो परस्यू करना जो आपका दिल चाहता है। यू नहीं कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं वो काम करें, नहीं, जो आपका दिल चाहता है। आप अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए आप वो काम ले लेंगे, अरे पेरेंट्स ने कहा जॉब कर लो, कर लेते हैं। बट क्या पता आपका मन कर रहा हो कॉलेज जाके आप एक सिंगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर बन सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। एक बात याद रखना, जो आपका दिल करे वो करना। और ये बात चाहे अपने पेरेंट्स को भी सुना देना आज, हाँ आपके पेरेंट्स भी सुन रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बच्चा जो दिल से करना चाहता है, जो दिल से करना चाहते हैं उसे करने दो, वो अपना बेस्ट देगा और वो एक अलग लेवल पे जाएगा। आज मैं खुद बताता हूँ, मैं बीइंग एज ए इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, बट बाया बाया प्रोफेशन में क्या हूँ, एक टीचर हूँ। क्यों, मेरा मन करता है, मुझे मेरे एकदम एक अंदर का पैशन है, जुनून है यार पढ़ाने का। मैं 18 18 घंटे में पढ़ा चुका था अपनी स्टार्टिंग के टाइम में, 18 घंटे दिन में मैं मेहनत करता था, एक जुनून था यार। जो काम हम दिल से करते हैं, जुनूनियत से करते हैं, तो एक अलग लेवल पे सक्सेस अचीव करते हैं। तो इस समय सिर्फ कुछ महीने के लिए, जो भी आपका पढ़ाई का टाइम है, एक अलग लेवल का पैशन जगा लो कि बस पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद कॉलेज मिल गया तो एक शानदार लाइफ में जीऊंगा, शानदार आनंद बिताऊंगा। बस इतनी सी बात आप समझ लो, लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और एक बार कॉलेज की बढ़िया लाइफ और बस लाइफ सेटल बढ़िया। और टेंशन करने की कोई बात नहीं, आप बस मेहनत करते रहें, रिजल्ट का ध्यान मत करें, बस अपनी गलतियों से सीखें और बी पॉजिटिव इन योर वर्क, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर वर्क। बात क्लियर, काफी बातें हो गई हैं, आगे बात करते हैं, वरना कहोगे सर बहुत बोल दिया आज तो आपने। नहीं यार, कभी कभी मन करता है तो मैं बातचीत कर लेता हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। द नेक्स्ट कंपाउंड, पहले नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल। ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वॉलेटाइल। अरे भैया लीस्ट वॉलेटाइल कैसे पहचाने, अरे यार सोच के देखना, यहां पर लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये लीस्ट वोलेटाइल होता है।
किसी के मन में सवाल आएगा कि सर एच आई का मास ज्यादा है तो कम वोलेटाइल होना चाहिए, अरे भैया यहाँ फोर्सेज हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, दैट इज वीकेस्ट इन नेचर, लीस्ट वोलेटाइल एच एफ है क्योंकि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन. क्लियर? नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोरोन एटम्स आर इन एस पी टू एंड एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड. आइए जो ये बोरेक्स डाइबोरेन बोराजोल सब लिख रखे हैं, पहले इनकी हिस्ट्री निकालते हैं फिर अपनों को आंसर मिल जाएगा. सबसे पहले बोरेक्स से ही शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा, वो अपने को नोट डाउन करना है और बस अपना काम खत्म. बोरेक्स का जो फॉर्मूला रहता है Na2B4O7.10H2O. ठीक है, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो अनायनिक फॉर्मूला है वो है B4OH4 2- .8H2O. कोई सवाल पूछ ले कि बोरेक्स में डायरेक्टली कितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं तो आप आंसर कितना बोलेंगे, आप आंसर 8 बोल रहे होंगे ना कि 10. सबसे पहली चीज तो अपने को ये दिमाग में रखनी है कि बोरेक्स में 8 पानी अटैच होते हैं 10 नहीं. अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं. देखो चार बोरोन कुछ इस तरह से अटैच रहते हैं, उनके बीच में एक एक ऑक्सीजन, उनके बीच में कौन, एक एक ऑक्सीजन. नाउ और एक एक OH उनके चारों बोरोन के टर्मिनल पोजीशन पर, OH OH OH. और देखो अब O5 था ना, एक ऑक्सीजन ये रहा O5. दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. अगली चीज सर ये जो माइनस चार्ज है वो यहां पर आएगा, हाँ ये रहा माइनस. ठीक है, ये जो बोरेक्स है इनने तीन बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. चलेगा अपने को, हाँ सही वाली बात चलेगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि सर फिर ये वाला बोरोन कैसा है, अरे भैया इस बोरोन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. क्या अपनों को इतनी सी बात क्लियर हो गई, बोरेक्स के रिगार्डिंग अपनों को क्या पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, यानी बोरेक्स में टोटल 4 बोरोन हैं, 2 sp2 वाले और 2 sp3 वाले. कितनी सी बातों को वहां पर रखेंगे, बोरेक्स का फॉर्मूला, बोरेक्स का स्ट्रक्चर, कोई पूछ रहे नंबर ऑफ बी ओ बी लिंकेज कितने हैं, बोरोन ऑक्सीजन बोरोन लिंकेज, तो अपन कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे. क्या सारी बातें अपनों को दिमाग में रहेंगी, हाँ सर ये सारी बातें तुम दिमाग में रखने वाले हैं. बस तो बच्चों बहुत ही शानदार बात है यदि आपको ये सारी बातें दिमाग में रह जाएंगी. तो अगला छोटा सा सवाल जो यहाँ पर पूछ रहा होते हैं, बोरेक्स के रिगार्डिंग ये सारी बातें रहती हैं, पानी कितने अटैच हैं, 8 अटैच हैं जो अपनों को दिमाग में रखने हैं. क्लियर, अगला स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं डाइबोरिन, डाइबोरिन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डाइबोरिन की रिगार्डिंग सारी बातें समझना. डाइबोरिन इज B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. स्ट्रक्चर देखना कैसा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन ये बोरोन और ये दो हाइड्रोजन. क्लियर अपनों को. सबसे काम की बात क्या है कि सर यहां पर जो बोरोन है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. क्लियर अपनों को, ये वाली बात समझ में आती है. अगली चीज जो है यहाँ पर ये बात याद रखना कि ये ब्रिज वाले बोरोन्स हैं, कौन से वाले बोरोन्स हैं, ब्रिज वाले, और ये जो टर्मिनल में बैठे हैं इनको टी से नोटेशन दे रहा हूँ, टी से. तो एक बात नोट डाउन करने वाली है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ, लिखवा देता हूँ, बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज वाला, यानी जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है बोरोन ऑफ बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज वाला इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल वाला, ये वाली बॉन्ड लेंथ. लेट्स सी, यदि ये बॉन्ड लेंथ एक्स है तो ये वाई है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बॉन्ड लेंथ की बात करो तो ये बात अपनों को दिमाग में जरूर रखनी है. और अगली चीज वो क्या पूछ रहे होते हैं, एंगल्स के रिगार्डिंग कई बार वो बातें कर लेते हैं. तो ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री के आसपास है, ये वाला एंगल 97 डिग्री के आसपास है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी काम की बातें हैं, ये वाला जो बॉन्ड है इट इज बनाना बॉन्डिंग. यहाँ क्या है, ये बनाना बॉन्डिंग है, ये याद रखेंगे, इट इज नथिंग बट बनाना बॉन्डिंग, क्योंकि बनाना जैसा शेप का है. ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक पॉइंट काम का है कि यहाँ पर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं बनाना बॉन्डिंग वाले, और 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 4 क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. ये वाले जो बॉन्ड्स हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं,
और ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग, ये टू सेंटर, ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली है। तो सारी बातें आप दिमाग में रखेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंगल्स, कितने टाइप की कैसे कैसे बॉन्ड्स हैं, बात क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज बोराजीन, बोराजीन या कई बार इसको बोराजोल के नाम से भी जाना जाता है, बोराजोल, या कई कई बार इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब? अरे सर हमें तो आपने बताया था कि बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है। हाँ भाई सारी दुनिया को ये बात पता है, अब क्या करें सर इनऑर्गेनिक बेंजीन में फिर ऐसी क्या नई बात है? अरे भैया इनऑर्गेनिक बेंजीन में कार्बन नहीं होगा, कार्बन ग्रुप 14 वाला है, टोटल 6 कार्बन है, एक कम वाला एलिमेंट लाओ यानी बोरोन और एक कम वाला एलिमेंट लाओ नाइट्रोजन, यानी C6H6 में इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B3N3H6। B3N3H6 इज नथिंग बट ये इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन या बोराजोन। टोटल 6 कार्बन को रिप्लेस कर दिया 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन ने, द फॉर्मूला वुड बी B3N3H6। के वाली बात हम दिमाग में रखेंगे। स्ट्रक्चर कैसी बनती है? बिल्कुल उसकी जैसी स्ट्रक्चर है, बेंजीन जैसी, बिल्कुल सेम, बोरोन बोरोन और ये नाइट्रोजन, हर एलिमेंट पे एक एक हाइड्रोजन क्योंकि 6 है ना, H6 है, ठीक है। अगली चीज, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है बोरोन को, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है बोरोन को, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसलिए प्लस चार्ज, बोरोन ने ले लिया इसलिए माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस या माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। आप यहां से देखेंगे तो ये आइस, यहाँ पर क्या ऐसी बात कर सकता हूँ, इट इज सिमिलर टू बेंजीन, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और क्या बात याद रख सकते हैं सर? हाइब्रिडाइजेशन की बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या पाएंगे सर? बोर नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, बोरोन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, प्लेनर शेप है क्योंकि बेंजीन इज कम्प्लीटली प्लेनर, सारे कार्बन sp2 वाले रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या रहता है? बोरोन और नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन sp2 वाले हैं, बात क्लियर। एक सवाल कई बार वो लोग पूछ रहे होते हैं कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है या इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बताएं सर हम? आंसर वुड बी इनऑर्गेनिक बेंजीन। द रीजन इज क्योंकि भैया इनऑर्गेनिक बेंजीन में होता क्या है, पोलैरिटी आ गई यानी प्लस माइनस चार्जेस आ गए, जिसके कारण हमारा जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो ज्यादा रिएक्टिव निकल कर आ रहा होता है रेदर देन नॉर्मल बेंजीन। क्या इतनी सी बात हम दिमाग में रखेंगे? हाँ सर इतनी सी बात तो हम दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर, तो अपन लोग आइए बैक टू क्वेश्चन। सवाल अपने को क्या बोल रहा था, बोरेक्स में दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3, ठीक है, डाइबोरेन में सर sp3 वाला, बोराजोल में sp2 वाला, तो आंसर क्या हो गया? sp2 और sp3 वाला ऑन बोरेक्स। सवाल क्लियर, आंसर क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, अमंग NH3 PH3 SH3 SBH3 व्हिच वन इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट SBH3 का आएगा। ऑलवेज रिमेंबर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ये दोनों जेई के पूछे हुए सवाल हैं। अगले में ऑर्डर द बॉइलिंग पॉइंट क्या बताऊंगा सर? इस हिसाब से तो टी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए टेलोरियम का, बट बच्चों वाटर सबसे पहले आता है, ये एक्सेप्शन है। क्यों? पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बाद में ऑर्डर किसके बेसिस पे है? बाद में ऑर्डर बेसिस पे है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के लॉजिक पे। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता चला गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला गया, पानी का मास सबसे कम था बट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। रीजन इज वन एंड ओनली क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाला कॉन्सेप्ट हम दिमाग में रखेंगे। हाँ सर ये वाली बात तो हम दिमाग में रख रहे होंगे। आइए तो बच्चों फिर आगे बात करते हैं। अरे सर बहुत आसान सवाल, कॉमन फीचर ऑफ द स्पीशीज N2-2- एंड O2-NO-, देखो आपको यहाँ पर क्या बताना चाहूंगा, पालिया का जुगाड़ बताना चाहूंगा। क्या आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। यदि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 3 निकल कर आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 3। टेबल लिख लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 12, 11, 10। ये रेड पेन से जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक पेन से लिखूंगा ये बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा।
लेफ्ट टू राइट जाते समय बॉन्ड ऑर्डर के लिए 0.5 0.5 माइनस करते जाओ, 2.5 2 1.5 1.50, यानी जिसके 15 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, यहाँ पर भी 0.5 0.5 माइनस करते चले जाओ, यहाँ पर भी 0.5 0.5 माइनस करते चले जाओ, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। सर जैसे N2 है, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। हाँ बिल्कुल, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। क्या आगे मैं यहाँ पर ऐसी बात कर सकता हूँ, सर N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन 15 है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 16 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। आपको यदि ये टेबल का थोड़ा सा भी लॉजिक याद है तो आप आंसर बता पाएंगे। बात क्लियर अपनों को? जैसा कि अपना सवाल है, क्या बोल रहा है सवाल देखें कि विच ऑफ कॉमन फीचर, सर N2 2 माइनस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 16 है, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, ठीक है। O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। NO माइनस, सर NO माइनस में कैसे निकालूं, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8, माइनस चार्ज का मतलब प्लस 1, इलेक्ट्रॉन्स कितने 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। अरे सर ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम। अच्छा, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सो आंसर वुड बी 2। बात चमकी अपनों को, क्या किया मैंने, बॉन्ड ऑर्डर तीनों का सेम है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, हेंस दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट एक छोटा सा वालिया का जुगाड़ बताना चाहूंगा, दैट इज क्वाइट फेमस अमंग यूट्यूब। मैं अक्सर बातें करता हूँ, जैसा कि बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग बताया, जाते जाते आपको कुछ बढ़िया चीजें बता देता हूँ। वालिया का जुगाड़, वालिया का जुगाड़ सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, ध्यान में रखना क्या, यदि आपने जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, यदि वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन आ गए, यदि वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन आ गए तो आपका जो नेचर आएगा स्पीशीज का वो क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। यदि वो इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट किए, यदि वो ओड आ गए तो आपका आपका जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, पैरा। ओके, यदि वो इवन नंबर आए, 2 4 6 आए तो स्पीशीज क्या होगी, डायमैग्नेटिक। यदि वो ओड आए लेट्स से तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि पैरामैग्नेटिक में 10 इलेक्ट्रॉन वाले, 16 इलेक्ट्रॉन वाले और 32 इलेक्ट्रॉन वालों को भी ऐड कर लेना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें नजर आ जाए, लेट्स से B2 में 10 इलेक्ट्रॉन, पैरा O2 यानी O2 16 इलेक्ट्रॉन वाला, सल्फर S2, ये तीनों स्पीशीज भी क्या है, ये तीनों स्पीशीज भी बच्चों क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये एक्सेप्शन है। या जिनके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, जैसे N2 2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, कहने की बात दिमाग में रखेंगे। जिनके अंदर भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो स्पीशीज कैसी होंगी, डायमैग्नेटिक। जिनके अंदर भी ओड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्पीशीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। 10 16 32 वाले भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक निकल कर आ रहे होंगे। आंसर देखिए, बस आसान है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8 प्लस 1 16 इलेक्ट्रॉन, पैरा। यस पैरा, बाकी भी चेक कर लो, 16 प्लस 2 18। अरे सर ये तो पैरा है पक्का, ये डाया है पक्का। CN कार्बन के 6 नाइट्रोजन के 7 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन्स, अरे सर डाया। CO कार्बन के 6 ऑक्सीजन के 8 14 इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज वुड बी डाया। देखो पैरा डाया खेल आप लोगों के लिए मैंने बहुत आसान बना दिया है, आई होप आपको आनंद आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है और स्पीशीज पैरा और डाया की बातें करनी है। आई होप आपको ये आनंद जरूर आया होगा, कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा, और जाते जाते कुछ और 2-4 सवालों की प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि बच्चों आपको आनंद जरूर आए। तो बच्चों एक बार और देख लो कुछ सवालों के बारे में, बहुत आसान सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे काउंट कर लो, पैरा है या डाया। डाया मैग्नेटिक स्पीशीज में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पैरा वालों के अंदर डाया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। सर 14 इलेक्ट्रॉन है, डाया मैग्नेटिक है, कोई सवाल ही नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन है, डाया मैग्नेटिक है, कोई सवाल ही नहीं। सर 17 इलेक्ट्रॉन पैरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि बच्चों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो डाया वो पैरा मैग्नेटिक स्पीशीज में रहते हैं। लास्ट वाला भी चेक कर लो जाते जाते, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वुड बी डाया। क्या अपनों को ये बात क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। अगला बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द वेरी फर्स्ट। सर इनमें कैसे बताऊं कंपाउंड पैरा डाया, अरे बेवकूफ बना रहे हैं आप तो, O2 2- लिख दो इसको, इसको क्या लिख दो O3, इसको क्या लिख दो सर O2 2- इसको O2-, क्योंकि
पोटेशियम पे प्लस वन का चार्ज रहता है, हटाया तो ओ टू माइनस हो गया। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने 18, स्पीशीज कैसी डाया, ये कितने सर ये तो 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी ये भी डाया, ये कितना सर ये यहाँ पर ओ टू माइनस रहेगा, ये वाला देखना एक बार, एक एक गए ना आपके पास, इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे ओ टू माइनस, ये क्या रहेगा सर 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डाया है सर, ये वाला खतरनाक है क्या, 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये पैरा मैग्नेटिक है एंड इट इज नथिंग बट सुपर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू ओ टू माइनस, हेंस द आंसर वुड बी डी, हेंस द आंसर वुड बी डी। क्या अपनों को ये बातें क्लियर हो गई, आई होप जितना मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ा है, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है, आपको आनंद जरूर आया होगा, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को जरूर मिली होंगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ और शानदार चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ कि आपने इस पूरे लेक्चर को सुना और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं आपने उनको बताया, कमेंट किया, अच्छा लगा। बहुत सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, लगभग सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनिल वालिया के इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप तो बस चैनल से जुड़े रहें और आनंद उठाते रहें और मस्ती ऐसे ही लूटते रहें। ठीक है बच्चों, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।